Hello dear 8th class students. So let's start with a new chapter of biology, that is cell structure and function. Open page number 70 of your book. Chapter number 7 is cell structure and function. देखो students, cell क्या होता है? हमारी body में सबसे पहले cell ही बना. Cell से बने tissues. Tissue से हमारी body में बना organ. Organ से बना organ system. एंड ऑर्गन सिस्टम से फाइनली हम लोग बने, दैट इज ऑर्गेनिज्म, राइट. सो दिस इज द पार्ट. सबके सारे ऑर्गेनिजम्स में, ह्यूमंस, मैमल्स, ये साइकिल चलती आ रही है. सेल लीड्स टू टिश्यू, टिश्यू लीड्स टू ऑर्गन, ऑर्गन लीड्स टू ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम टू ऑर्गेनिज्म. सो इतना तो क्लियर है कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं. सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है. जैसे कि हाउसेस को हम ईंटों से बनाते हैं, ऐसे ही प्लांट्स और एनिमल्स सेल से बने होते हैं. ऑल द लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ फर्दर मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स. सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल एंड सम लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स. सो द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी. हु डिस्कवर्ड द सेल नाउ? डच साइंटिस्ट कॉल्ड एंटन वैन लीवेनहेक 1632 और 1723 के बीच में ये थे. एंड ही वॉज द फर्स्ट मैन जिन्होंने इन्वेंट किया माइक्रोस्कोप, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म देखे पोंड वाटर के. उसके बाद इंग्लिश साइंटिस्ट आए रॉबर्ट हुक, जिन्होंने एक और माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया एंड छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे बार्क ऑफ ट्री के नीचे. नाउ व्हाट इज बार्क ऑफ ट्री? कोई भी ट्री होती है, उसकी जो खाल होती है ब्राउन कलर की, उसके नीचे जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं बार्क ऑफ ट्री. इन्होंने क्या करा? इन्होंने क्वाइन की टर्म सेल, ठीक है, और इन्होंने क्या बताया सेल्स को कि सेल्स छोटे छोटे हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल्स का, जैसे रूम ऑफ मॉन्क्स, ठीक है, जिसको उन्होंने नाम दिया सेल्यूला. सेल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, क्लैमाइलामोनास एंड यूग्लेना. दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो हेयर आर द फिगर्स. अमीबा की कोई भी डेफिनाइट शेप नहीं होती, अमीबा की इनडेफिनाइट शेप होती है एंड इट इज यूनिसेलुलर. अमीबा नेम आपको 10th तक पढ़ना है. Paramecium, Euglena and Chlamydomonas. What about multicellular organism? ऐसे organism जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं उसको हम बोलते हैं multicellular organism. For example, plants and animals are made up of millions of cells. A normal adult man has 100 trillion cells, 10^14. So, ऐसे cells जो बहुत सारे सेल से बना हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीसेलुलर. एंड जो सिंगल से बना हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर. साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी. द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर ओनली इज कॉल्ड साइटोलॉजी, ठीक है. एंड कैरोलॉजी हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को. अब सेल की बहुत सारी शेप्स होती हैं अलग अलग. सेल्स डिफर इन शेप एंड साइजेस. दीज आर जनरली राउंड, ओवल भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है. तो अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं. ह्यूमन स्पर्म सेल ऊपर से ओवल, नीचे से टेल. एग सेल इज ओवल इन शेप्ड. स्मूथ मसल सेल कुछ सिलेंड्रिकल इन शेप होता है. और न्यूरोन की शेप कुछ ऐसी होती है जो कि हमारे ब्रेन के मैसेजेस पहुँचाते हैं. RBCs आर डोनट शेप्ड टू कैरी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी. WBCs आर ऑल्सो कैन चेंज देयर शेप विद द हेल्प ऑफ द स्क्वीज द कैपिलरी वॉल्स. द नर्व सेल्स आर इलोंगेटेड, लंबी होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं. दे आर अडेप्टेड टू ट्रांसमिट सिग्नल एट अ फास्टर पेस. मसल सेल्स आर स्पिंडल इन शेप्ड एंड थिन. दीज फीचर हेल्प देम टू एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट. सो यू हैव टू रीड दिस केयरफुली कि कौन सा सेल कैसे एक्सपैंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. द आउटर सर्फेस ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हैज थिक वॉल सेल्स विच प्रोवाइड देम टू सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ. स्किन सेल्स आर फ्लैट सेल्स इन शेप. नाउ व्हाट अबाउट वैरायटी इन साइज ऑफ सेल्स? सेल्स आर
of different sizes. They are generally very small in size or can be seen with the naked eyes, खुली आँखों से. Naked means खुली आँखों से. लेकिन हम उसको naked eyes से नहीं देख सकते cell को, तो हम किसके under देखेंगे उसको? Microscope के under देखेंगे. Some cells are quite large in size and invisible to the unaided eyes. Next part, the average size of typical cell is about 0.2 mm in diameter. लेकिन जो smallest cell पाया गया है PPLO, PPLO is pleuropneumonia-like organism. यही same चीज 9th में पढ़ेंगे. PPLO इतना छोटा है कि इसका साइज कितना है? 0.1 माइक्रोन, मीन 0.1 माइक्रोमीटर. इतना छोटा सेल है. लेकिन जो लार्जेस्ट सेल है वो होता है ऑस्ट्रिच एग सेल, राइट? इन द ह्यूमन बॉडी द RBCs आर स्मॉलेस्ट विद द साइज ऑफ 7 माइक्रोमीटर एंड द नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट विद द साइज ऑफ 90 माइक्रोमीटर. ह्यूमन एग इज 100 माइक्रोमीटर इन साइज, whereas the egg of ostrich is the largest animal cell. The yellow yolk of an egg represent a single cell. Now, what are the parts of cell and the functions? बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे हर पार्ट ऑफ सेल को. आज हम सिर्फ और सिवर कवर करेंगे सेल मेम्ब्रेन एंड द नेक्स्ट पार्ट साइटो. सबसे पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो आउटर कवरिंग को कवर कर रही है, दैट इज मेम्ब्रेन. सो सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट इज़ अ थिन पोरस लेयर दैट इनक्लोजेस एट द ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल. इट इज़ लाइक द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल. सपोज ये आउटर है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. इसके अंदर क्या कर रहा है? वो सारे सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं उसको प्रोटेक्ट करके रख रहा है. अगर सेल मेम्ब्रेन ही नहीं होगी तो अंदर के सब्सटेंसेस कैसे सर्वाइव करेंगे? It allows only certain substances to enter and leave a cell and therefore is called via semi-permeable membrane. इसके पास semi-permeable membrane होती है. What is the meaning of semi-permeable? कि suppose बाहर foreign particles, ये चार पड़े हैं, कुछ ही particles को वो अंदर करेगा, बाकियों को accept नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो membrane है वो semi-permeable है. Permeable means सारा, semi-able means आधा, right? Semi-permeable membrane के through वो चल रहा है. However, the plant cells, fungi, bacteria have additional boundary around the cell membrane. उस additional boundary को हम क्या बोलते हैं जो plant cell, fungi और bacteria में present होता है? Cell wall. It is composed of cellulose. Cell wall किससे बना हुआ है? Cellulose से बना हुआ है. The cell wall gives shape and rigidity to the plant cell. Shape भी देता है, rigidity, hardness भी देता है. The cell wall that enables the stem of plant stand erect. Now you have to perform these two activities yourself. This activity we will perform in school, that how to study animal cells using cheek cells. हम लोग अपने चीक में से स्लाइड्स पे सेल उतारेंगे और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे. अनियन पील वाला भी हम स्कूल में ही करेंगे, बिकॉज यू मस्ट नॉट बी हैविंग द सॉल्यूशंस एट योर होम, ब्लू एंड रेड सॉल्यूशन. नाउ व्हाट इज साइटोप्लाज्म? नेक्स्ट टॉपिक आता है साइटोप्लाज्म क्या होता है. ये भी एक सेल का टाइप है. द मैटर इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मैटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में जेली लाइक फ्लूइड होता है और उस जेली लाइक फ्लूइड में कौन फ्लोट कर रहा होता है? न्यूक्लियस फ्लोट कर रहा होता है और बहुत सारी क्या होती हैं उसके अंदर? सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं. Salts, proteins, sugars and other substances are dissolved in the fluid. So students, today we read up to page number 73. You will cover 73, 72, 71 and 70. You will read this page, and if you people have any doubt you can ask me anytime, but read line to line because this chapter is important for your 9th class also. Thank you.